मैं संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एबीएसटी। आज हमारा कॉस्टिंग का नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, प्रक्रिया लागत लेखांकन, प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रक्रिया लागत लेखांकन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा माल जो विभिन्न प्रक्रियाओं से निकलकर निर्मित होता है, उसे हम प्रक्रिया लागत लेखांकन के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। उसको प्रक्रिया लागत लेखांकन के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोल सबसे पहले हम एक स्थान पर निकालते हैं, उसे बोलते हैं कच्चा पेट्रोल, यानी कच्चा क्रूड ऑयल। उस कच्चे तेल से हम एंजिन के लिए बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, ऑयल बनाते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं। तो कोई भी ऐसा कच्चा माल जिससे हम एक से ज्यादा प्रकार के अगर हम तैयार माल निकाल सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रक्रिया लागत। मतलब एक कच्चे माल से जब बहुत सारे प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, तो हम प्रत्येक प्रक्रिया पर, जैसे हमने एक काम किया और एक प्रोडक्ट अलग हुआ, तो फिर वो बचा हुआ जो कच्चा माल होता है या जो रॉ मटेरियल होता है, वो नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाता है। फिर वहां कुछ बनाते हैं, फिर थर्ड प्रोसेस में चला जाता है। इस तरीके से हम उत्पादन का जो भी एक सिक्वेंस तैयार करते हैं, उस सिक्वेंस को कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रक्रिया लागत लेखांकन विधि। यह जो विधि होती है, ये लोहा, इस्पात, चमड़ा, सीमेंट, कागज, रबड़, तेल और ऐसे उद्योगों में ये उपयोगी है। अगला बिंदु आता है प्रक्रिया लागत लेखांकन की विशेषताएं। एक तो यह ऐसी वस्तुओं पर लागू होती है जहां हम वस्तु का निर्माण प्रक्रिया के अंदर करते हैं, प्रोसेस के अंदर करते हैं। नंबर दो, यह कुल लागत ज्ञात करने की एक विधि है। नंबर तीन, प्रत्येक प्रक्रिया पर अगर हम अलग अलग वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो वह हमें प्रत्येक प्रोडक्ट की अलग से लागत ज्ञात करने का एक आसान तरीका मिलता है, जो प्रोसेस कॉस्टिंग है। नंबर चार, यह हमें कई प्रकार की सामान्य जो हानियां होती है, छिजत है, उड़ना है, सूखना है, उससे हमें बचाता है। प्रक्रिया लागत लेखांकन विधि में निर्मित माल के साथ साथ में अर्धनिर्मित माल की भी गणना की जाती है, क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रक्रिया में कुछ न कुछ माल आपके अर्धनिर्मित अवस्था में रहता है। अगला बिंदु आता है मेरे पास में ठेका लागत विधि और प्रक्रिया लागत विधि में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। ठेका लागत विधि में किसी संरचना का निर्माण होता है, जबकि प्रक्रिया लागत विधि में किसी वस्तु का निर्माण होता है। अंतर नंबर दो, ठेका लागत विधि में कॉन्ट्रैक्ट खाता बनता है, जबकि प्रोसेस के अंदर प्रोसेस खाते बनते हैं एक से अधिक। नंबर तीन, ठेका लागत विधि में बांध, पुल, सड़क आदि का निर्माण होता है, जबकि प्रक्रिया लागत विधि में वस्तु का निर्माण होता है, जिसमें एक ही प्रकार की वस्तु से हम कई प्रकार का अलग अलग प्रोडक्ट तैयार करते हैं। नंबर चार, ठेका लागत विधि एक बड़ा काम है, हैवी इन्वेस्टमेंट है, जबकि प्रक्रिया लागत विधि में एक बार इन्वेस्टमेंट करना होता है, उसके बाद आप लगातार उसमें प्रोडक्शन करते रहते हैं। प्रक्रिया लागत विधि में एक प्रोसेस कॉस्ट बनती, एक प्रोसेस खाता बनता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोसेस अकाउंट, प्रक्रिया लागत खाता। इसके अंदर एक प्रारूप है जो मैं आपको पीडीएफ में दूंगा। इसके डेबिट में आता है सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, प्रत्यक्ष मजदूरी, डायरेक्ट वेजेस, प्रत्यक्ष व्यय मजदूरी, डायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट वेजेस आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसा खर्चा जो प्रक्रिया से संबंधित हो, वो आपके टू में जाता है। बाय में आता है बाय वेस्टेज, बाय एबनॉर्मल वेस्टेज, और बाय बचा हुआ जो लागत आएगी, वो हो जाएगा बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। थैंक्स।